हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज मैं बस बिल्कुल अभी उठ के आया हूँ। मैंने ब्रश वगैरह कह रहा था और उसी टाइम मैं फोन उठा के आया हूँ। अभी ऊपर बारिश आ रही है और थोर ऊपर था टेरेस पे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। आज की वीडियो में मैं थोर की सारी शैतानियां दिखाऊंगा, तो वो क्या क्या करता है। अभी मैंने देखा इसको कि थोर ऊपर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, तो मैं जल्दी से कैमरा उठा के ले आया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोर की एक्टिविटी चल रही है, बहुत ज्यादा मस्ती में आज थोर, और आज का मौसम भी अच्छा है। ये देखो, तो आज शाम को पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखना चाहोगे आप सब? पहले एक और बात बता दूं, मेरे को पतंग उड़ाने नहीं आती, पर उड़ा के देखेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है और आजकल मैंने देखा है आसपास वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा पतंग उड़ाते हैं, तो क्यों ना हम भी ट्राई करके देखें। ऐसी बात तो है नहीं, हम ट्राई करेंगे तो उड़े नहीं गी। तो शाम को मिलते हैं, और जो थोर आज पूरे दिन में शैतानियां करेगा ना, मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। जैसे थोर को आपने अभी देखा कि इतनी देर से ये डब्बा देने नहीं लग रहा, खेल रहा है, खेल रहा है, और मैं अभी से ओए छोड़ दिया इसने। डब्बा ले लो थोर, क्या करना है, क्या करना है, आज तेरे को, आज थोर को चलो नहलाते हैं। थोर नहाएगा, मौसम भी अच्छा हो रहा है, इसको मजा भी आ रहा है, तो अभी इसको थोर को नहलाते हैं। और थोर को आज पहली बार ही नहला रहे हैं कैमरे पे, तो YouTube पे तो फर्स्ट बात हो गया थोर का। तो चलो ओए थोर, ये ले। तो मैं थोर का पानी भर देता हूँ इसमें। प्रेशर ज्यादा था, पानी भर रहे हैं, अभी थोर को नहलाएंगे। और ये बहुत ज्यादा शैतानी दिखाई है गुरु, तो थोर क्या कर रहे, क्या कर रहे है? ये डब्बा नहाने के लिए है, तेरा नहीं है। आया चल, आजा नहलाता हूँ तेरे को, अरे इधर ओए थोर, अरे इधर। अच्छा तो मस्ती आ गई, काम आ गया, काम आ गया। ओए ये हट पाए थे, चले तो छोड़ दे। तो चलो थोर को नहलाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका शैम्पू, ये जब ओए रुक जा, इसकी मदर को भी इससे नहलाते थे, और तो एक बार इसे वहां पे भी नहलाया जहाँ पे सुमित के पास था, तो इसलिए इसी शैम्पू से नहला रहा हूँ मैं। फिर अभी मैंने ऑर्डर करा हुआ है हिमालय का जो एंटी टिक शैम्पू होता है, वो जब आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और दो तीन और प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं थोर के लिए, वो सारे अनबॉक्स करेंगे हम। चल नाए, क्या देख रहा था ऊपर वो शैतान, नहीं अब ये भागेगा। ओए रुक जा, रुक जा। जितने बड़ी डॉग ब्रीड होती है ना, उतनी ज्यादा दिक्कत आती है नहलाने में। सबको पता ही है कैसे नहलाते हैं, पर फिर भी एक बार और बता देता हूँ। एक बार पहले डॉग को ना पूरा गिल्ला कर दो, जैसे कि ये पहले हुआ हुआ था, क्योंकि बारिश आ रही थी और ये बारिश में खेल रहा था, मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। तो ये गिल्ला हो गया, अब शैम्पू लेना है अपने हाथों में, जो कि निकल नहीं रहा है, खत्म होने वाला है ये। वो निकल जा, क्यों बेइज्जती करा रहा है वीडियो में।
मुझे लग रहा है खत्म हो चुका है। चलो कोई और जुगाड़ भी करेंगे, अभी हमारे पास शैम्पू नहीं है पर इसका भी जुगाड़ करेंगे। नहीं है वही है, आया आया। अब कई लोग मजाक उड़ाएंगे जो हेटर्स है, भाई शैम्पू तो खरीद ले। खरीद रखा भाई, ऑर्डर कर दिया है, ये आने लग रहा है इसलिए, ये अभी इसका थोड़ा गंदा हो गया था इसलिए निकला रहा हूँ इसे मैं, और ये बचा हुआ है देख लो। लो भाई देसी जुगाड़ दिखाते हैं आपको, अगर शैम्पू खत्म हो जाए। एक सेकेंड, खत्म नहीं हुआ यार, बच रहा है, पर कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा पानी लो, थोड़ा ही लेना, ज्यादा नहीं लेना, फिर वो पानी बन जाएगा सारा। थोर तेरे शैम्पू का जुगाड़ कर दिया बेटे, हाँ अब देखना ये देखो, और ये ज्यादा नहीं था, बिल्कुल थोड़ा ही था, एक बार में जितना यूज करना होता है। आ गया जुगाड़, दिखा थोर, इवेंट दिखा दे लोगों को कितना शैम्पू हमारे पास। चल को, इस 1 तारीख को इसका रेबीज का इंजेक्शन है पहले वाला, और उसके 6 दिन बाद, उसके 6 दिन बाद थोर का, चलो मैं गिल्ला तो हो ही गया, अभी ढंग से ना दे, उसके 6 दिन बाद थोर का वो होएगा, सेकंड बूस्टर लगेगा। कर दिया थोर, तूने गिल्ला तो मेरे को कर ही दिया, कोई नहीं, बस हो गया बेटे हो गया। चलो भाई थोर को निला दिया, और थोर को निला दिया, और थोर ने मेरे को निला दिया। वैसे मैं बारिश में नहा तो पाया नहीं था, और कई दिन हो गए थे बिना नहाए, तो थोर की वजह से चलो ऐसे फील तो आ गई कि नहा लिया मैं ऊपर। अभी जो मैंने बोला था ना, वैसे बहुत दिन हो गए बिना नहाए, उसका मतलब ये है कि बारिश में बिना नहाए, यूं नहीं कि मैं रोज नहीं नहाता, मैं नहाता हूँ, 2 बार नहाता हूँ दिन में, गर्मी का टाइम है ना, इसी टाइम यूज होती है, वैसे तो यूज पे सोता तो है नहीं, इसके लिए हमने अलग से गद्दा बनवाया हुआ है। लो भाई आओ छोटा बेबी दिखाते हैं आपको, शैतान बेबी। क्या चाहिए तेरे को थोर? तो अब थोर का, ओए हाँ कर रहा हूँ यहाँ भी कर रहा हूँ। तो अब थोर को खाना देंगे, इसका मैंने चिकन बॉईल कर दिया, और चिकन मैं ज़्यादा नहीं दे रहा, जैसे अब ये 10 kg के आसपास तो होगा, तो 10 kg के आसपास है, इसलिए मैं इसको 100 ग्राम दे रहा हूँ सुबह। अभी सिर्फ बॉईल करके उसके अंदर इसकी मेडिसिन डालेंगे बस, और कुछ नहीं देंगे, और उसके बाद अगली मील इसको देंगे रॉयल कैनन की 100 ग्राम एक बार का। चल भाई थोर अभी साफ कर लेते हैं, अभी मैं इसको नीचे छोड़ूंगा, देखना क्या हरकतें करेगा वापस। एक और बात बताता हूँ, जैसे थोर ना मेरी बहन के रूम में जाता है और वो पढ़ रही होती है ना, तो ऐसे छुप छुप के जाता है और उसको एकदम से पकड़ लेते हैं, उसको डरा देता है। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं ये भी शूट करूंगा, इस बहुत ज़्यादा शरारती है ये, और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई लंबा व्लॉग बनाओ लंबा व्लॉग बनाओ, तो आज लंबा ही व्लॉग है, बताना कैसा लगा, इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा व्लॉग में, किस चीज़ को सुधारना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताना आप। मैं अभी इस व्लॉग में आपको, मैंने आपको कहा था कि मैं पतंग उड़ा के दिखाऊंगा, पर मेरे को नहीं लग रहा कि पतंग उड़ाई जाएगी क्योंकि बारिश हो रही है, अगर आज नहीं उड़ा पाए तो कल वाले व्लॉग में पक्का उड़ाएंगे। और अभी मैं इसको खाना दूंगा, वो क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद एंडिंग करते हैं इस व्लॉग की। तो थोर का चिकन बॉयल हो चुका है, चिकन ही दूंगा मैं इसको 100 ग्राम बस, और ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी थी पहले, ये दवाई दूंगा, ये इसका HP बढ़ाने के लिए है, ये इसकी कैल्शियम है, ये इसका लिवोटास है, ये खत्म होने वाला है, अब ये दोनों चलने लग रहे हैं इसके। तो ये थोर का खाना तैयार हो गया, ये 100 ग्राम चिकन है, और ये जो पानी है ये जिसमें बॉईल कर रहा था थोड़ा सा सूप जैसा था वो छोटा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें जो मेडिसिन मैंने डाली है ये मिक्स हो जाए, इसलिए पिंक कलर का शेड आ रही है मेडिसिन से इसमें। तो ये रहा खाना थोर का, और कई लोग कहते हैं कि अभी चिकन नहीं खिलाना चाहिए, तो यार मैं तो खिलाता हूँ। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, पतंग उड़ानी थी बाहर, वही मैं कह रहा था कि मौसम खराब हो रहा है, तो वो मौसम खराब हो ही गया है,
तो आगे शाम को अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको अपलोड नहीं कर पाऊंगा वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं दिखाते। अगली वीडियो में अगर आप लोग कहोगे कि पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाने का चैलेंज देखते हैं कि मेरे से उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जब मैं छोटा वेकेशन में गाँव में जाता था ना तब उड़ाते थे कभी कभी, तो अभी मौसम है उड़ाने का, अगर आप लोग कहोगे तो जरूर उड़ा के देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग होती है। सारे सेफ रहना, हेल्दी रहना और खुश रहना, और जल्दी जल्दी वापस आके अपने ब्लॉग को वापस देखना और थोर को भी देखना। ओके, बाय बाय।